हुआ यूं एक बार नारद जी महाराज विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे। विंध्याचल पर्वत ने खूब बढ़िया स्वागत सत्कार किया है नारद जी महाराज का। आज मेरा सौभाग्य जाग गया, आज मेरे घर में नारद जी महाराज पधार। तो कहां से आए आप? नारद जी ने कहा मैं मेरू पर्वत के पास गया था। हाँ हाँ गए होंगे आप मेरू पर्वत के पास, पर मेरे जैसा महान कोई नहीं। विंध्याचल अपनी प्रशंसा करने लगा। ग्रंथ कहते हैं आत्मश्लाघान कुर्वीत। नारद जी कहते कैसे? विंध्याचल कहते देखो ना, मुझ पर बड़े बड़े जोगी जति तपस्वी तपस्या करते हैं, मुझ पर भगवती जगदम्बा विंध्यलाज बैठे विंध्याचल बैठी है, विंध्यवासिनी बैठी है, मुझ पर बड़ी बड़ी नदियां हैं, मुझ पर बड़े बड़े रत्नों की खाने हैं, मेरी बराबरी कहाँ कर सकता है मेरू पर्वत? नारद जी कहते हाँ हाँ भैया, तेरी बराबरी मेरू पर्वत नहीं कर सकता, पर मेरू पर्वत में एक विशेषता है जो तुझमें कभी नहीं हो सकती। क्या? वो तुझसे भी ऊंचा है। ये कहकर नारद जी चले, ये कहकर नारद जी चले गए। तो आज विंध्याचल पर्वत सोचता है मैं भगवान का तप करूंगा, मेरू से भी ऊंचा हो जाऊंगा। आज विंध्याचल मानव रूप धारण करके पहुंचे ओंकारेश्वर। उसका नाम ग्रंथों में आया है मानधाता। वैसे तो मानधाता एक राजा का नाम था, क्योंकि आप जानते हैं नदी के मध्य में एक टापू है जिसके ऊपर वह ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। आप लोगों ने दर्शन किए, तप किया है। प्रतिदिन विंध्याचल मिट्टी से भगवान शिवलिंग की प्रतिमा बनाते हैं, पूजन करते हैं। एक दिन वो समय आया, भगवान शिवाजी प्रकट हुए हैं। मांग, क्या मांगता है? मांगने तो बहुत कुछ आया था, शिव को सामने देखा तो बस यही प्रार्थना की कि नाथ आप हमेशा हमेशा के लिए यही विद्यमान हो जाओ। देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान दो ज्योतिर्लिंगों के रूप में वहां पर, दो स्वरूपों के रूप में, अमलेश्वर ममलेश्वर के रूप में वहां पधारे हैं। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की जय।